अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे मखमली चिकन विद सिल्की स्मूथ ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इसे किसी को एक बार बना कर खिला दिया तो दोबारा इसकी फरमाइश ज़रूर करेगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी ट्राई करते हैं अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे बनाने के लिए गैस से मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है और इसमें डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज का प्याज मैंने लिया है और इसको पेस्ट बना के इसमें डाला है। डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब तक आप प्याज को अच्छे से जब नहीं भूनेंगे तो उसका जो टेस्ट है चिकन का उतना अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब तक इसका कलर चेंज नहीं थोड़ा हो जाता हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, तो इस स्टेज पे डाल देते हैं हम 1 टेस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेस्पून लहसुन का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएंगी। तो 3 से 4 मिनट हमने प्याज को अदरक लहसुन को अच्छे से भुन लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे लगातार हम इसे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और प्याज भी इसके साथ अच्छे से भुन जाएगा। तो 3 से 4 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टेस्पून भर के चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टेस्पून जीरा पाउडर, 1 टेस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाला है। और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। मसाला डालने के बाद भी हमें 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट हमने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है। अब हम डाल देते हैं इसमें दही। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप दही लिया है, इसे अच्छे से बीट कर लिया है। दही को आप अच्छे से बीट करके डालें तो इसे जो है ग्रेवी होगी बहुत ही स्मूथ बनेगी। दही डालने के बाद हमने गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया है। स्लो फ्लेम पे हम पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को हम हाई करेंगे। तो दही इसके साथ भी हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब हम कवर कर देते हैं और कवर करके इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर। पानी अब हम नहीं डालेंगे। तो 5 मिनट के बाद चलिए खोल के देखते हैं। तो अब देख सकते हैं चिकन के पानी में ही अभी तक चिकन पक रहा था, तेल सेपरेट हो गया है और चिकन मसाला सभी अच्छे से भुन गया है। अब हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देंगे। इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। अब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएगी तो हम डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को स्टर कर देंगे और अब कवर करके इसे पकने देते हैं 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 15 से 20 मिनट हो गया है, चलिए खोल के देखते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर चिकन अच्छे से गल जाता है। देखिए चिकन ने बोन छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब हम डाल देते हैं 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डालने के बाद अच्छे से इसे स्टर कर देंगे। तो अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है। और इसे ढककर अब 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और 2 मिनट के बाद हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें डाला है 2 टेबल स्पून बटर। जैसे ही बटर गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का शिमला मिर्च, जिसको मैंने चौकोर कट कर लिया है, या टमाटर है इसको भी मैंने चौकोर चौकोर कट किया है, और 3 से 4 हरी मिर्च इसको सिलेक्ट करके लिया है। मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट हमें इसे स्टर करना है।
और ज़्यादा करेंगे तो ये सॉगी हो जाएगा। तो 2 मिनट हमने इसे अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है और इन चीज़ों को अब हम चिकन के ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हल्के से एक बॉयल आने देंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसका क्रंचीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं और चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। अब देख सकती हैं कितना टेस्टी, कितना लाजवाब मखमली चिकन बनके तैयार है। इसकी जो इस ग्रेवी होती है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसे रोटी, पराठे, नान, कुलचा किसी के साथ भी खाइए, सभी के साथ ये ज़बरदस्त लगता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।